नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आई चलते हैं खबर की ओर। सीएम नीतीश कुमार विपक्षी एकता के लिए काफी एक्टिव हैं। पटना में नीतीश कुमार की अगुवाई में 12 जून को विपक्षी बैठक होने वाली थी, लेकिन विपक्ष के कई बड़े नेताओं की व्यस्तता की वजह से अभी इस बैठक को टाल दिया गया। इसको लेकर जेडीयू के विशेष सलाहकार और मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि यह बैठक डेढ़ दर्जन गैर एनडीए दलों का मिलन है, जो 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी है। नीतीश कुमार का विपक्षी एकता को लेकर 2024 फार्मूला ये है कि बीजेपी से मुकाबला के लिए जब तक एक उम्मीदवार नहीं होगा तब तक उससे लड़ना और हराना मुश्किल है। केसी त्यागी ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए इस रणनीति के तहत पटना में 12 जून को बैठक रखी गई थी, लेकिन कांग्रेस के द्रमुक बड़े नेता के लिए इसमें आना संभव नहीं हो रहा था। इस बैठक को इसलिए कुछ दिन के लिए टाल दिया गया। संभवतः 23 जून के आसपास यह बैठक होगी। इसमें पार्टी के अध्यक्ष ही शामिल होंगे, जिससे किसी फैसले के नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। आगे उन्होंने कहा कि पहली बैठक पटना में ही होगी। इसके तालमेल के लिए नीतीश कुमार अधिकृत हुए हैं। वहीं फूलपुर से चुनाव लड़ने पर केसी त्यागी ने जानकारी दी। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस ही अकेले बीजेपी को हरा दी, तो इसलिए बीजेपी को ज्यादा गुमान में रहने की जरूरत नहीं है। वहीं यूपी के फूलपुर से नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने के कयास पर उन्होंने कहा कि कई जगह से प्रस्ताव आए, लेकिन यूपी में सपा सबसे बड़ी पार्टी है। हम लोग एक ही विचारधारा के लोग हैं, इसलिए फैसले अखिलेश यादव और नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। 450 सीटों पर आम सहमति बन चुकी है, नीतीश जी की भूमिका सूत्रधार है। नीतीश कुमार विपक्षी एकता की अगुवाई कर रहे हैं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कतई नहीं है, वह एक सूत्रधार की भूमिका निभा रहे हैं। एक उम्मीदवार के विरुद्ध एक उम्मीदवार खड़ा हो, ऐसा नीतीश कुमार जी का हम लोगों का प्रयास है। प्रारंभिक दिनों में गैर कांग्रेसी गैर भाजपाई मोर्चे की बात चल रही थी, जिसमें केजरीवाल जी, जिसमें ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जी, केसीआर जी आदि नेता लगे हुए थे। हमें प्रसन्नता है कि श्री नीतीश कुमार के मैराथन एफर्ट्स के बाद अब ये जड़ता टूटी है और बिहार में लगभग डेढ़ दर्जन से ज़्यादा राजनीतिक दल अपनी स्वीकृति दे चुके हैं, जिसमें ममता बनर्जी भी हैं, शरद पवार भी हैं, उद्धव ठाकरे भी हैं, केजरीवाल भी हैं। तो जो गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई विकल्प बनाने का तीसरा मोर्चा बनाने का प्रयास था, एक तो उसकी अवधारणा समाप्त हुई है। दूसरा, 450 के आसपास सीटें ऐसी चिन्हित की गई हैं जिस पर एक के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा हो, जो नीतीश कुमार फॉर्मूला ऑफ अपोजिशन यूनिटी 2024 है, वो कामयाब होता दिख रहा है, जिसकी पुष्टि कांग्रेस पार्टी के भी वरिष्ठ नेताओं ने की। शराब ठेकेदारों पर ईओडब्ल्यू का शिकंजा, सिंडिकेट बनाकर अधिक दाम पर बेच रहे थे शराब, 5 ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। लंबे समय से जबलपुर जिले में सिंडिकेट बनाकर शराब की मनमानी कीमत वसूलने वाले ठेकेदारों पर आखिरकार अब आबकारी विभाग कार्रवाई नहीं कर पाई तो आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू ने सिंडिकेट माफिया पर कार्रवाई करने का जिम्मा उठाया। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने स्टिंग ऑपरेशन करते हुए पकड़ा कि वाकई में शराब ठेकेदार सिंडिकेट बनाकर अधिक दाम पर शराब बेच रहे हैं। ईओडब्ल्यू ने अपनी जांच के दौरान पाया कि 5 ठेकेदार एमआरपी से अधिक रेट पर शराब बेच रहे हैं, लिहाजा शराब ठेकेदारों के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज कर मामले को भोपाल भेज दिया। शिकायत ईओडब्ल्यू मुख्यालय भोपाल में की गई थी कि जबलपुर में जो ठेकेदार हैं शराब के, ये आपस में एक सिंडिकेट बना लिया, ग्रुप बना लिया है, और शराब के जो निर्धारित रेट हैं, जो बोतल में अंकित रहते हैं मिनिमम सेलिंग प्राइस और मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उससे कहीं अधिक दामों पर वो शराब विक्रय कर रहे हैं। इसकी जांच यहाँ जबलपुर में प्राप्त होने पर 2 दिन पहले टीम बनाकर 2 राजपत्रित गवाहों को दूसरे विभाग के लिया गया और 5 दुकानों में हम लोगों ने गोपनीय कार्रवाई की, जिसमें हम लोगों ने दुकान पे जाकर 100 पाइपर्स शराब की एक बोतल क्रैक की
जिस पे कीमत 2149 रुपीज़ 2149 रुपये अंकित थी, परंतु दुकानदार ने कहा कि नहीं ये 2280 रुपये में मिलेगी। तो हमने उसे साधारण, चूँकि गवाह भी खड़े थे उनके सामने, पूछा भाई 2280 क्यों ज़्यादा है, तो बोले नहीं सर सिंडिकेट है तो यही रेट रहेगा, आप पूरे जबलपुर में खरीदी यही रेट पर मिलेगी आपको शराब, तो बिल्कुल कम। हमने कहा कि जो रेट छपा उस पर दे दीजिए, तो उसने इनकार कर दिया कि नहीं सिंडिकेट है हम दारू नहीं दे सकते। तो इस पर हम लोगों ने उससे वो शराब अधिक रेट पर खरीदी और उसको जो हमें पेमेंट सरकार से पैसा मिला था इसको खरीदने के लिए, उस पर हमने अपने खाते से UPI पेमेंट पे किया, वो हमने सबूत पे लिया कि हमने इनसे शराब खरीदी और उसका पेमेंट किया। इसके बाद ऐसी हम लोगों ने 5 दुकानें बिलहरी से शुरू करके बिलहरी सदर मालवीय चौक देन रानीताल और गढ़ा शारदा चौक, ऐसी 5 दुकानों में हम लोगों ने ऐसी गोपनीय कार्रवाई की। सब स्थानों पर यही स्थिति थी, अधिक रेट पर शराब। फीट गहरे बोरवेल में गिरी 2.5 साल की मासूम, रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक जारी। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के मुंगावली गांव में खेत में खेलते समय बोरवेल में 2.5 साल की बच्ची गिर गई। बच्ची के गिरते ही आसपास मौजूद लोग बच्ची को बचाने दौड़े, लेकिन तब तक बच्ची नीचे गिर चुकी थी। घटना के बाद फौरन इसकी सूचना प्रशासन को दी गई। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जो अब तक जारी है। बच्ची को बोरवेल से बाहर निकालने के लिए मौके पर 4 JCB और 6 पोकलिन मशीन लगाई गई। मशीनों की मदद से बोरवेल के साइड में एक और गड्ढा किया जा रहा है। इस गड्ढे की अभी तक 27 फीट से ज्यादा खुदाई हो चुकी है। गड्ढे की थोड़ी और खुदाई करने के बाद एक सुरंग बनाकर बच्ची को बाहर निकाला जाएगा। सीहोर कलेक्टर आशीष तिवारी का कहना है कि रेस्क्यू टीम लगातार खुदाई कर रही है, हमें 30 फीट तक पहुंचना है। जमीन के नीचे कई पत्थर होने के कारण खुदाई में इतना समय लग रहा। उन्होंने कहा कि हम कुछ ही समय में बच्ची के लेवल तक पहुंचेंगे और NDRF की टीम बच्ची को निकाल लेगी। कलेक्टर ने कहा बच्ची को लगातार ऑक्सीजन भी दी जा रही है। वराड जिला शिवपुरी के रहवासी ने मकान तोड़े जाने के नोटिस को लेकर आज भोपाल में राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग सुरेश धाकड़ से मुलाकात की। नगर पंचायत वराड के अध्यक्ष मानती लक्ष्मण सिंह रावत ने बताया कि 25 साल से लोग मकान बनाकर रह रहे हैं। शासन द्वारा उक्त भूमि पर बने मकान को तोड़ने का नोटिस जारी किया गया। करीब 2500 मकान इससे प्रभावित हो रहे हैं। इसको लेकर आज राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ 500 प्रभावित लोगों के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात करने जा रहे हैं एवं आश्वस्त किया है कि सभी मकानों को आबादी घोषित किया जाएगा। शासन का भी एक निर्देश है और एक विजन है कि जो जिस भूमि पर रह रहा हो उसका आवास सुरक्षित रहे, इसके लिए आज आपकी क्षेत्र की जनता ही है, इसके लिए जानना चाहिए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे क्षेत्र के लोकप्रिय जनता नहीं है, मेरे परिवार के सदस्य हैं, परिवार के मेंबर हैं, और परिवार के मेंबर 25 साल से लगातार बेड़ार में रहते थे, उनके मकान हैं। लेकिन अभी हमको पता लगा जब उनको नोटिस दिए तहसीलदार स्टीम ने, गौचर की भूमि है,
पहले वो भूमि गौचर की नहीं थी, आबादी की थी, बाद में कि गौचर की भूमि यह है, तो वो आबादी की भूमि के देखते हुए हम लोगों ने मकान बना लिए। तो मैंने ये चीज़ इनकी बात को लोकप्रिय मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि कम से कम 2500-3000 मकान वहाँ बने हुए हैं, अब वो बेघर हो जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे, कहाँ बसेंगे। एक बार जीवन और मकान बड़ी मुश्किल से लोग बना पाते हैं, जीवन निकल जाता दो कमरे हम नहीं बना पाते। ऐसे हमारे परिवार के लोगों ने वहाँ घर बनाए, तो मुझे आश्वासन मुख्यमंत्री जी महोदय से मिला था कि हम उनको भैंट पट्टे देंगे जहाँ जिसका मकान है। तो मुझे बड़ी उम्मीद और आशा के साथ ये पब्लिक और जनता, ये परिवार के सदस्य मेरे पास आए हैं। मैं सभी पब्लिक को लेके और सभी परिवार के सदस्यों को लेके हम सब के जन जन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से 11:30 बजे का हमको समय मिला है, 12:45 समय वो हो गया, हम जाके मुलाकात करेंगे। और मुझे पूर्ण उम्मीद और विश्वास है कि हम सबके लोकप्रिय मामा शिवराज सिंह चौहान हम सबको पक्के मकान बनाने के लिए हमको पट्टे देंगे, जिससे हम वहाँ रह सकते हैं, जिससे हमारा परिवार रह सकता है। अभी ये परिवार एक समय रोटी खा रहा है, एक काम रोटी नहीं खा पा रहा, क्योंकि यही वो चिंता सता रही है कि कब हम बेघर हो जाएंगे, कब हमारे मकान मटरेंगे। तो मैंने जाके आश्वासन दिया, आप निश्चिंत रहिए, आपका घर नहीं मिटाया जाएगा, आपका घर जहाँ है आश्वासन लेके मेरे तक वो आए हैं, विश्वास पर आए हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद और विश्वास है हम सब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारी बात को मानेंगे और सब भाइयों को घर और मकान मिलेंगे। जिला कार्य समिति सदस्य विजय यादव जी, क्या देखिए जो ग्रामीणों की पीड़ा रही है मकान को लेकर, उसको लेकर आज ढाकरी से मुलाकात थी, उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए साहब, माननीय मंत्री जी एक जमीनी आदमी है, ग्रामीण परिवेश से हर चीज़ को समझते हैं, और क्षेत्र की जो जनता आई है इसका जैन माननीय मंत्री जी इस दुख को काफ़ी समय से समझ रहे थे। और जनता में माननीय मंत्री जी ये नहीं है कि सीधे आ गए हों और नीचे से आए ऊपर आए, सरपंच भी ये रहे हैं, जनपद सदस्य रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, मंडी अध्यक्ष रहे हैं, तो इनको जो नीचे से ऊपर तक की जानकारी है, तो जनता का दुख तकलीफें जानते हैं और जनता एक तरफा इन पर भरोसा करती है और जनता के लिए मसीहा है क्षेत्र में। और पूर्व में माननीय उपचुनाव में मुख्यमंत्री जी आए थे, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम आपका भूमि स्वास्थ्य का अधिकार दिलाएंगे, करीब 2000 मकान उसमें बने हुए हैं। वो मंत्री जी ने हमेशा सभी लोगों को यही कह के बोला है कि हम वो आवास सुरक्षित रहेंगे जी। ये थी आज की खबर, और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।